जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में हजारों लोग नशे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। नशे के खिलाफ आयोजित की गई बड़ी ब्रिस्क वॉक में केवल मात्र इस विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं अपितु जिला भर से हजारों लोगों ने भाग लेकर नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि इस ब्रिस्क वॉक में शामिल हुए। माँ भगवती की विधिवत पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण और शंखनाद के साथ साथ मशाल प्रज्वलित करने के बाद राज्यपाल ने ब्रिस्क वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नशे के खिलाफ शुरू की गई इस लड़ाई के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पीठ भी थपथपाई। राज्यपाल ने कहा कि इस मुहिम के शुरू होने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी बल मिला है, जिसका सदुपयोग वह समाज को इस बुराई के खिलाफ जागरूक करने के लिए करेंगे। ब्रिस्क वॉक के आयोजन से पूर्व प्रदेश भर के प्रसिद्ध सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब मनमोहा चलते कर लिए। इतने खुला है पीछे आओ सर, यहाँ पे खुला है एरिया ना, यहाँ मैं उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि हिमाचल जो पूरी तौर पर नशे में जुड़ता चला जा रहा है, आज नशे के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत उन्होंने किया। आप हमारे राजभवन में भी जाकर के हमसे मिले थे। हिमाचल में आने के साथ ही साथ मैंने नशे से हिमाचल को मुक्त किया जाए इसका अभियान शुरू किया, और आज मैं महसूस करता हूं कि इन्होंने मुझे वह बल दिया है कि अगर उप मुख्यमंत्री स्वयं इतना आगे बढ़कर कर सकता तो मुझे जो अभियान लेना चाहिए था वो एक प्रकार से मैं सफल मानता हूं। और अब शासन भी यहाँ का पुलिस प्रशासन जो पूरी तौर पर लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एडीजी हमारे साथ हैं सतवंत जी। अभी इन्होंने दौड़ भी कराया था जिसमें बाल से लेकर के आबाल मतलब वृद्ध और दिव्यांग लोग, महिलाएं, ये सभी के सभी थी। आज मैं एक बार पुनः इनको बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने इसकी शुरुआत किया है, हिमाचल का जन जन इसमें इसके साथ लगे और वह स्वयं आगे बढ़ करके हिमाचल से इसको मुक्त कराए। कारण यह है कि अगर आबादी के आधार पर देखा जाए तो पंजाब नंबर एक पर है नशे में और हिमाचल दूसरे नंबर पर है। इस नाते आप सभी लोगों को, जितने लोग हैं, सभी लोगों को ये तय करना पड़ेगा, चाहे मीडिया के हों, चाहे विद्यालय के हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे किसान हों, चाहे महिलाएँ हों, सब इस अभियान के साथ जुड़े और एक बार हिमाचल को देवभूमि बनाने के लिए लग जाए।